और एक बड़ी खबर लेबनान से, जहां इजराइल के साथ जंग के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाकों से डहल उठा लेबनान, और वहां एक के बाद एक सैकड़ों धमाके कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर में हुए। खबरों के मुताबिक इन धमाकों में हिजबुल्ला के 12 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो गई, जबकि 3000 लड़ाके घायल हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पेजर में हुए धमाके, उसका शिपमेंट कुछ रोज पहले ही लेबनान पहुंचा था, और ईरान के राजदूत भी पेजर धमाके की वजह से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक उनके बॉडीगार्ड के पास मौजूद पेजर में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें वे घायल हो गए। पेजर दरअसल एक डिवाइस है जिसके जरिए एक दूसरे को मैसेजेस भेजे जाते हैं, और हिजबुल्ला के लड़ाके इसी डिवाइस का इस्तेमाल एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए किया करते हैं। जो लोग 90s में किशोरावस्था में भी रहे होंगे उन्हें पेजर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा, और जो कम उम्र के बच्चे हैं जिन्हें पेजर के बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए बता दें कि जिस तरह मोबाइल उसी तरह एक पेजर कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें आप सिर्फ कुछ लिमिटेड वर्ड्स का मैसेज टाइप करके दूसरे पेजर पर भेज सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से ब्लास्ट हुआ, काउंटर के पास एक शख्स के पास जेब में रखा हुआ था और उसके सिर पर जो कैप लगी हुई थी वो उड़कर आकर गिरती है। और एक और तस्वीर जहां पेजर के धमाके में सड़क पर कुछ लोग घायल नजर आ रहे, कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। अफरा तफरी का सा माहौल यहां पर बना हुआ था और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 12 से ज़्यादा लड़ाकों की मौत हो गई है लेबनान की राजधानी बेरूत में।